आज एक विशेष दिन है, 26 अप्रैल 1920, मतलब आज से ठीक 100 वर्ष पहले गणित की एक महान विभूति जिनका नाम श्रीनिवास रामानुजन था, ये साउथ इंडिया के थे, तमिलनाडु साइड के, इनका 26 अप्रैल 1920 को निर्वाण दिवस है, मतलब इस दिन इन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किया था। तो आज 26 अप्रैल 2020 के दिन उनकी 100वीं पुण्यतिथि है, रामानुजन जी की 100वीं पुण्यतिथि आज के दिन है, ठीक है। तो अगर आप कोई इसके ऊपर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपके लिए सूचना है। तो हम अब आगे बात करते हैं हमारे टॉपिक की। कल आपको कुछ सवाल दिए गए थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल था कि मैट्रिक्स क्या है और इसके उदाहरण को, अपने विचारों को व्यक्त करना था, वो आपने किया, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आपने सबने लगभग अच्छा लिखा था। दूसरा सवाल था कि यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयवों का योग शून्य है तो वह मैट्रिक्स कौन सा होगा। ऑप्शन थे विकर्ण अवयव है, सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है और त्रिभुजाकार अवयव। तो इसका उत्तर भी लगभग सभी ने सही दिया था, इसका उत्तर होगा विषम सममित अवयव है। आप इसको बना के भी देख ले भले, क्योंकि विषम सममित अवयव में आप जानते हैं कि मुख्य विकर्ण तो जीरो होता ही ऑब्वियसली, और बाकी एलिमेंट्स जो होते हैं वो संख्यात्मक बराबर होते हैं और चिन्ह में उल्टे होते हैं, इसलिए सबका योग करने पर एट रिजल्ट जीरो ही आएगा। करके देख लो भले ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल ये दिया था मैंने कि एक 2×3 अवयव है का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो सकता है, तो ऐसे कितने अवयव संभव है बताइए। ये सवाल बहुत कम लोगों ने अटेंड किया था। वैसे देखें दूसरे सवाल की हम बात कर लेते हैं। पहले तो एक अवयव ए जो कि 2×3 का है, मान लेते हैं कि 2×3 का अवयव है ये है, जिसमें आप सब जानते हैं कि 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ होने चाहिए, और इसमें भी आप समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा होने पर 6 एलिमेंट्स विद्यमान होंगे, ठीक है। और ये आपको कह दिया गया है कि इस अवयव में एलिमेंट के रूप में या तो 0 आ सकता है और या 1 आ सकता है, केवल 2 चांस है, या तो 0 चुन लीजिए, 1 चुन लीजिए, और कुछ आप चुन नहीं सकते इसमें। तो ये बड़ा आसान है इसको हल करना, आपने 11th क्लास में सीखा है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने सीखा है अच्छे से, कि यदि हमें किसी वस्तु को चुनने के तरीके प्राप्त करने हो तो हमेशा उसमें हम प्लस करते हैं, और यदि हम कोई कार्य प्रगति पर रख रहे हो, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य प्रगति पर चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम गुणा करते हैं। तो ये गुणा और योग के नियम आपने पढ़े थे, सीखे थे उस टाइम, तो उस सिद्धांत को यहां पर हम लगा सकते हैं। आप देखिएगा हमारे पास में हर स्थान पर रखने के लिए केवल 2 ही अवयव विद्यमान है, 1 तो 0 है और 1 खुद 1 है। तो 0 या 1 इनमें से कोई भी एक आप रख सकते हैं हर स्थान पर। जैसे मान लो पहला स्थान है ये, इस पहले स्थान पर आपके पास रखने के लिए 2 एलिमेंट विद्यमान है, 0 या 1, इसका मतलब पहले स्थान पर रखने के तरीके 2 हो गए, पहले स्थान को भरने के तरीके 2 हो गए, और आगे आएगा फिर और, मतलब कार्य प्रगति पर है, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो अगले स्थान पर वापिस एलिमेंट आप दोनों में से कोई भर सकते हो। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि एक के बाद में वापिस एक भरना नहीं है आपको, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, इसमें रिपीट हो सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो यहां पर भी आप जानते हैं वापिस 2 भर सकते हैं, और आगे वापिस स्टेटमेंट जारी है, अभी कार्य प्रगति पर है, बीच में और का चिन्ह आएगा, और का संकेत आएगा, और यहां पर वापिस 2 भर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 स्थानों पर आपको 2 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। तो कह सकते हैं कि इसका उत्तर आएगा 2 की घात 6, मतलब 2 की घात 6 का मतलब 64, इसका उत्तर होगा 64, मतलब 64 प्रकार से ये अवयव हम बना सकते हैं 2×3 का, जब 0 और 1 सिर्फ 2 एलिमेंट्स ही विद्यमान हो, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद में तीसरा सवाल में ये दिया गया था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था वैसे, इसमें ये दिया गया था कि दो मैट्रिक्स ए और बी ज्ञात कीजिए जो 2×2 की होगी, है ना, और यदि ए प्लस बी बराबर ऋणेतर अवयवों वाली ऐसी सममित मैट्रिक्स है
ऋणत्र अवयवों वाली ऐसी सममित मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयवों का योग 10 है, ये सवाल है। तथा ए माइनस बी ऐसी विषम सममित मैट्रिक्स है जिसकी प्रथम पंक्ति में एक अवयव 10 है, ये सवाल है। अब ये सवाल कईयों ने तो बड़ा घुमा फिरा के हल किया है, हालांकि हल तो निकाला है कईयों ने, और कईयों ने इसको शॉर्ट ट्रिक में किया है, तो मैं इसे छोटे में करवा रहा हूं आपको। ये सवाल बड़ा छोटा है, बस सोचने की देर थी आपको, काफी ये संक्षेप में हो सकता है सवाल। चलो देखिए इस सवाल को। पहली बात तो आपको चुनना चाहिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ये दोनों ही 2x2 की मैट्रिक्स है, ये बात पहले मन में सेट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये दे रखा है कि मैट्रिक्स ए और बी का योग, ध्यान दीजिएगा इसमें दिया गया है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, ये दिया गया है कि ऋणेत्तर अवयवों वाली। अच्छा, ऋणेत्तर अवयवों वाली का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि ऋणेत्तर का मतलब क्या होता है? ऋण से अलग, ऋण का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ना हो ऐसे अवयव। इसका मतलब ऋणेत्तर का मतलब क्या हो गया? जो ऋण नहीं है वो सब, और उसमें क्या क्या आ गया? उसमें जीरो भी आ गया और पॉजिटिव नंबर सब आ गए हैं। ऋणेत्तर अवयवों वाली, और साथ में बोला है शून्य अनुरेख वाले भी। अब आप जानते हैं ट्रेस का मतलब क्या होता है, अनुरेख का मतलब क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के एलिमेंट का योग क्या होता है? वो होता है ट्रेस, और वह ट्रेस इसमें जीरो दे रखा है आपको। और ऐसी सममित मैट्रिक्स है जिसके सभी अवयवों का योग इसमें बोला गया है 10 है। अब ऐसा बना लो ना, जरा सोचिएगा आप, इसमें विचार कीजिए। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई भी एलिमेंट माइनस का नहीं रखना है, ठीक है, सब प्लस के या फिर जीरो आ सकते हैं। और दूसरी बात बोली है कि इसका अनुरेख भी जीरो है। अब यदि अनुरेख जीरो है तो इसका मतलब यह होता है कि इसके मुख्य विकर्ण के दोनों एलिमेंट्स का योग क्या है? जीरो है। और दोनों एलिमेंट्स का योग जीरो कई प्रकार से हो सकता है, जैसे या वाला एलिमेंट 5, या वाला -5, 8, -8, है ना, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर माइनस की संख्या है ही नहीं, ऋणेत्तर सब एलिमेंट, इसलिए यहां पर दोनों एलिमेंट्स जीरो होने ही चाहिए। इन शब्दों को पकड़ो आप, ऋणेत्तर भी है और शून्य अनुरेख भी है, तो दोनों बातों से समझ आ रही बात है कि इसका मुख्य विकर्ण जीरो जीरो है ऑब्वियसली। और अब आपको चुनना है इसको सममित मैट्रिक्स। यदि ये मैट्रिक्स सममित है तो यह मुख्य विकर्ण के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंबित भी होगी। और एक बात इसमें और कही गई है कि इस सममित मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का जो योग है वह 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी, अब इनका योग तो जीरो ही बच गया ना, तो बाकी एलिमेंट जो बच गए ना, इनका योग ये 10 होना चाहिए। और सममित बनाने के लिए ये एलिमेंट बराबर भी होने चाहिए, तो यहां पर आप सब जानते हैं 5 और 5 ही आ सकता है, और तो कुछ आएगा नहीं। समझ रहे बात को? तो ऐसे आपको पकड़ना है इन शब्दों को, इससे ए प्लस बी सीधा बन जाएगा। उसके बाद में आपको ए माइनस बी बनाना है, और इसकी भी जानकारी बड़ी स्पष्ट है। इसकी जानकारी क्या है? इसमें बोला गया है कि ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ऐसी विषम सममित मैट्रिक्स है जिसके प्रथम पंक्ति का एक अवयव 10 है। अब पहली बात तो ये विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित होने से मुख्य विकर्ण पहले से ही जीरो हो ही गया। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि ऐसी विषम सममित मैट्रिक्स है जिसकी प्रथम पंक्ति का कोई एक अवयव 10 है। अब कोई एक बचा कौन सा? यही बच गया A12, ये 10 होगा फिर तो। और यदि यह 10 है तो विषम सममित होने के लिए ये -10 है फिर, ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। अब आपको ए और बी निकालने हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 2a इज इक्वल्स टू, ये -b से प्लस बी कटेगा और ये जुड़ेंगे, तो जोड़ने पर यहां पर तो 0 0 रहेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर 5 और 10 हो गए 15, यहां पर हो जाएंगे -5, ठीक है। और लास्ट में a का मान निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 0 15/2 -5/2 और 0, ये इसमें a का मान आ गया। ऐसे बी का मान निकालने के लिए 1 में से 2 घटा दो, इक्वेशन नंबर 1 - 2 करने से 2b इज इक्वल्स टू, घटाने पर आप जानते हैं ना यहां पर आएगा -5, 0 - 5, और यहां पर आएगा 15 प्लस का वापिस 0, और यहां से आप सब जानते हैं कि मैट्रिक्स बी आ जाएगी 0 - 5/2 है ना, 15/2 और वापिस 0। ये मैट्रिक्स ए और बी मतलब हल इस रूप में आएगा इसका, एकदम आसान था। आगे देखते हैं। अब इसके बाद में अगला सवाल ये दिया था कि हाँ, एक पहली मात्र थी वो कि सममित मैट्रिक्स है ना,
सममित मैट्रिक्स का स्क्वायर और विषम सममित मैट्रिक्स का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर किस रूप की मैट्रिक्स आती है? तो इसका उत्तर है वापिस सममित मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, भले मैट्रिक्स सममित हो भले विषम सममित हो, ये रूल है और इसको आप जांच सकते हैं अपने हिसाब से। इन दोनों का स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट मैट्रिक्स बनेगी वह हमेशा सममित बनेगी। आप इसमें एग्जांपल लेके जांच के देखना, भले ऐसा होगा हमेशा। ठीक है, तो ये सवाल कुछ दिए थे, इनकी हमने चर्चा की है अपने स्तर पर। अब हम आगे इन प्रश्नों की बात करते हैं संक्षेप में, देखिएगा। तो बाकी जो सवाल बचे हैं आज हम इस प्रश्नावली को पूरा करने वाले हैं, इसमें अंतिम सवाल 24 है, जैसे 24 सवाल पूरे हो जाएंगे आज में, देखिएगा। तो विविध के हमने कल तक 14 सवाल किए थे, आज हम 15वें सवाल से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। देखो 15वां सवाल दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए बी सी इस प्रकार की हो तो अवयव है ए बी सी, मतलब तीनों का क्रमशः गुणा है, अवयव है ए बी सी के प्रथम पंक्ति के अवयव ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। अब चलो इसको निकालते हैं, हालांकि ये सवाल आप खुद करना, लेकिन मैं इसमें एक इसमें संक्षेप में करवा रहा हूं। इसमें पूछा गया है प्रथम पंक्ति, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें केवल प्रथम पंक्ति निकालने का तरीका सीखेंगे। पूरा तो आप सर पूरा करने में कोई किसी दिक्कत नहीं, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रथम पंक्ति निकालना हो तो कैसे करें इसको देख लेते हैं। इसमें आपको पहले ए बी सी लिखना चाहिए, जिसमें क्रमशः ए ये है माइनस एक जीरो एक, फिर दो तीन माइनस दो, उसके बाद भी मैट्रिक्स बी जो कि 3x3 का है ना, 100 अगेन 00, यहां पर माइनस 1257। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स सी ये है माइनस 10 एंड 1। अब इस मैट्रिक्स ए बी सी को आपको मल्टीप्लाई करना है और प्रथम पंक्ति को निकालना है, बस जरा सोच के चलना प्रथम पंक्ति का चुनाव कैसे किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि तीनों को गुणा करने के लिए शुरुआत की जाएगी इन दोनों से, इसका रिजल्ट मैट्रिक्स जैसा भी आएगा फिर उसको गुणा करने के लिए इसको हम चुनेंगे। एक बात आपने ये सीखी है इन दिनों में कि यदि हम कोई गुणा कर रहे हैं मैट्रिसेस का, और गुणा करने में पहली मैट्रिक्स जो है ना, उस पहली मैट्रिक्स में हमेशा पंक्ति काम आती है और दूसरी मैट्रिक्स में हमेशा स्तंभ काम आता है। और अब ये बात आप सीख चुके हैं क्या, कि हम पहली मैट्रिक्स की यदि पहली पंक्ति चुनते हैं तो इस पहली पंक्ति को ही जब तक सभी स्तंभों से गुणा नहीं कर देंगे तब तक रिजल्ट मैट्रिक्स की पहली पंक्ति नहीं आती है। कहने का मतलब यह है कि रिजल्ट मैट्रिक्स की पहली पंक्ति इस गुणा करने वाले अवयव है कि पहली पंक्ति से आएगी हमेशा, और यही प्रक्रिया आपको दो बार इसमें रिपीट करनी है। बस जरा देखिएगा, हम इसको केवल हमारे स्वार्थ की पूर्ति पे जितना करेंगे पूरा नहीं करेंगे, देखेंगे अच्छे से। आप सब जानते हैं कि इसमें हालांकि इसकी कोटि तो आप जानते हैं ना 2x3 है, इसकी कोटि 3x3 है, इसकी कोटि 3x1। अब ये इसमें 3 और 3 बराबर होने से गुणा तो हो सकता है, और इसमें पीछे बच गया 2x3, मतलब ये कोटि भी इसमें आप जानते हैं कि 2x3 बचने वाली है, लेकिन अपने इसको जांच लेते हैं, जांचना इसमें निकाल लेते हैं पहले पंक्ति को ही। देखिएगा, अवयव ए की पहली पंक्ति चुन लो, इसको उठा के पहले स्तंभ पर ऐसे स्तंभ पर रख दो तो माइनस एक से एक गुना होगा और बाकी सब से जीरो होकर इसके हट जाएंगे, तो माइनस एक इंटू एक माइनस एक ही आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो तो माइनस एक से जीरो गुना हो गया, हट गया, जीरो इंटू माइनस वन ये भी हटेगा, 1 × 5 यहां बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, उसके बाद इसको उठा के इसके ऊपर रखने पर भी ये जीरो यहां पर सिर्फ 7 बच रहा है। ठीक है, अब यदि आपकी इच्छा हो तो दूसरी पंक्ति भी गुणा कर लो, और इच्छा ना हो तो इसको ऐसे डैश डैश करके छोड़ दो भले, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, हमें सिर्फ प्रथम पंक्ति से मतलब है ना। अब ये इन दोनों का रिजल्ट मैट्रिक्स ये है, और आगे वाली मैट्रिक्स सी सेम पड़ी ही है। आप सब जानते हैं कि इसकी कोटि ऑब्वियसली 2x3 होगी, इसकी कोटि 3x1 है, वापिस 3 से 3 बराबर, मतलब गुणनीय सवाल है, और गुणा करने पर रिजल्ट आएगा 2x1 का, मतलब दो पंक्तियां और सिर्फ एक स्तंभ आएगा, ऐसा होगा। चलो जांचते हैं ऐसा कैसे होगा। अब हमें इसमें निकालनी है प्रथम पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति किससे आएगी, प्रथम पंक्ति आएगी प्रथम पंक्ति इंटू प्रथम स्तंभ गुणा करने से, तो प्रथम पंक्ति है माइनस 1 5 7, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया जाएगा तो माइनस 1 × 1 + 1 हो गया, ये 0 है और ये 7,
तो 7 और 1 8, मतलब इसकी प्रथम पंक्ति 8 आ गई, और द्वितीय पंक्ति से इसकी द्वितीय पंक्ति आती जो कि हमें नहीं निकालनी है, तो इसका उत्तर है सिर्फ 8, मतलब पंक्ति में सिर्फ एक एलिमेंट है, और यदि पंक्ति में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह बनेगा इसमें और इसका उत्तर होगा 8। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था, लेकिन इसको हमने इस तरीके से किया है ताकि केवल प्रथम पंक्ति ही आए। अच्छा, एक बात और चर्चा कर लेते हैं, यदि सवाल ऐसा होता कि प्रथम स्तंभ निकालिए तो क्या करते आप, तब आप इसमें उल्टा करते, तब आप जान, अब स्तंभ निकालने का मतलब क्या हुआ, स्तंभ को हाईजेक करना चाहिए, तब इसमें क्या करना चाहिए था, तब हमें इस सेकंड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को, सेकंड मैट्रिक्स के प्रथम स्तंभ को फर्स्ट मैट्रिक्स की सभी पंक्ति से गुणा करना चाहिए था। इस पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा किया तो ये वाला एलिमेंट आता है ना, फिर ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सेकंड पंक्ति को वापस करते गुणा प्रथम स्तंभ से, तो ये एलिमेंट आता ना, तो स्तंभ निकालने के लिए हम स्तंभ को हाईजेक करने वाले हैं, लेकिन स्तंभ भी किसका, सेकंड मैट्रिक्स का, और पंक्ति किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की। ये तो आप जानते हैं, सुरक्षित बातें हैं सब, स्तंभ किसका होगा और पंक्ति किसकी होगी। आगे चले, अब आगे 16वां सवाल, इसमें दिया है मैट्रिक्स ए ये हो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आप खुद करेंगे, आसान है। 17वां सवाल कहा है कि यदि ये तीनों मैट्रिक्स का गुणा 0 हो तो x का मान निकालना है, आपने ऐसा सवाल पहले किया है तो खुद करना, इसको आसान सा हो सकता है ये। 18वें सवाल में दिया है कि यदि मैट्रिक्स b का मान a b c d हो तब सिद्ध कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू बी बराबर में ये होता है। अब ये सवाल बड़ा आसान है वैसे, कोई मुश्किल नहीं होगा। आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो यहां से b का स्क्वायर निकाल लेंगे और बाद में इसी b को आप a प्लस डी से गुणा कर देंगे। गुणा का मतलब क्या हुआ, हर एलिमेंट को a प्लस डी से गुणा कर देना आपको, और बाद में आप b स्क्वायर के मान में से ये वाला व्यंजक घटा दीजिए। घटाते ही आप पाएंगे कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आएगा बी सी माइनस ए डी, जीरो वापिस जीरो और वापिस बी सी माइनस ए डी, और वहां से अगर आपने बी सी माइनस ए डी कॉमन लिया तो इसमें बचेगा ब्रैकेट में या फिर अंदर बचेगा 1 0 0 1, इसका मतलब प्राप्त हो जाएगा बी सी माइनस ए डी और आगे है I2 मतलब दो कोटि की तत्समकावी, मतलब 1 0 0 1 बन जाएगा वो। ठीक है, तो खुद ट्राई करना ये सवाल, न हो तो पूछना, करवा दूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आसान सवाल है, आप खुद करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, 19वां सवाल देखिएगा, इसमें कहा है कि यदि मैट्रिक्स ए और बी ऐसी ऐसी हो तो ए इंटू कैपिटल ए फिर प्लस बी इंटू कैपिटल बी और ये वाला व्यंजक माइनस का है, इस पूरे व्यंजक को आव्यूह ए रूप में लिखिए। ये सवाल है, ये करते हैं हम, आव्यूह ए रूप में निकालने का जो तरीका है उसको हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। देखिएगा, पहली बात तो 19वें सवाल में हमें दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखी है, दिया गया है ना, मैट्रिक्स ए दे रखी है इसमें 1 0 0 1 जो कि आई ही है एक प्रकार से, और मैट्रिक्स बी भी दे रखी है, वो दी गई है 0 -1 1 0। अच्छा, अब हमें इस ए और बी के माध्यम से पहले ये व्यंजक तैयार करना चाहिए। चलो निकाल लेते हैं, ए ए फिर प्लस में बी बी, अब ए इंटू कैपिटल ए फिर बी प्लस कैपिटल इंटू कैपिटल बी का मतलब क्या हुआ, इस ए का मतलब यहां से निकाल लो आप, ए 0 0 a हो जाएगा, जानते हैं क्यों होगा, फिर प्लस में b इंटू कैपिटल b का मतलब हो जाएगा यहां से 0 b - b 0 है ना, और इसका तो योग करना चाहिए हमें, योग करने से इसका मान ही आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये इसमें इस व्यंजक का मान है। इसी प्रकार आपको निकालना है व्यंजक आगे माइनस वाले का मान, मतलब a इंटू कैपिटल a माइनस b इंटू कैपिटल b, वापिस वही बात, a 0 0 a, इस बार माइनस का चिन्ह है 0 b - b 0, तो इससे इसका मान लिया जाएगा a माइनस बी प्लस बी ए। ठीक है ना, ये दोनों व्यंजकों के मान आ गए हैं। अब हमें इस प्रकार का व्यंजक निकालना है, मतलब गुणा करना है, सीधी सी बात है। तो अब गुणा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा, a इंटू कैपिटल a b इंटू कैपिटल b फिर a कैपिटल a माइनस में b कैपिटल b इज इक्वल्स टू, इन्हें गुणा करना चाहिए। अब गुणा कैसे करेंगे, साथ में कर लेते हैं गुणा। तरीका क्या है कि पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ इसमें लेना चाहिए गुणा करने के लिए, तो इसकी पंक्ति ए बी ले लेते हैं और इसको स्तंभ पर रख दो, स्तंभ पर रख दिया तो ए बी से गुणा करने बनेगा ये यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए से ए गुणा और बी से बी गुणा और बीच में चिन्ह प्लस का होता है ये। फिर प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ तो माइनस ए बी प्लस ए बी, है ना, माइनस ए बी
और प्लस ए भी आ जाएगा। फिर बारी है सेकंड रो की, तो यहां से इसको रखने पे बनेगा वापस ये माइनस ए बी और प्लस में ए बी, और इसको इस पर रखने से बनेगा माइनस माइनस प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बड़ी आसान बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद इसको एक और रूप में लिख देते हैं, देखिएगा बराबर में यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम पढ़ाई है। ये जीरो हो गया यहां से, ये भी जीरो, और यहां पर भी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब हमें सवाल ये पूछा था कि इस पूरे का मान अवयव ए रूप में लिखिए। जरा अवयव ए देखो कैसा है, अवयव ए एक जीरो जीरो एक जैसा है, मतलब आई टू ही इसमें अवयव ए की तरह काम कर रहा है, तो हमें इसमें एक जीरो जीरो एक बनाना चाहिए। बन सकता है क्या, जरा सोचिए। बिल्कुल बन सकता है, यदि आप देखेंगे इसमें चारों एलिमेंट में से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन भी आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेते बनेगा अंदर मैट्रिक्स में एक जीरो जीरो एक, और ये होता है ए, मतलब इसका उत्तर ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कैपिटल ए। तो इस पूरे व्यंजक का जो मान है वो अवयव ए रूप में ही आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, आगे देखें। अब 20वां सवाल देखिए, इसमें मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं और कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर नहीं होता। हमें इस बात को सिद्ध करना है। अब आप सोचेंगे कि बराबर तो होता है, फॉर्मूला तो सही है, ये बराबर होना ही चाहिए था। देखो मैट्रिक्स में क्रम का महत्व आप जानते हैं होता है, और यदि क्रम का महत्व होता है तो ये फॉर्मूला बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, आप जरा यहां पर इस बात को समझने का प्रयास करें। यदि आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि a माइनस बी अपने आप से ही दो बार गुणा है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो होता है स्क्वायर। अब जरा इसको हल करके देखो क्या आएगा। हल करने का तरीका वही है, एक ब्रैकेट के हर एलिमेंट को दूसरे से गुणा करना है आपको, तो मैं इसको इससे कर रहा हूं गुणा, पहले a से a गुणा होके बनेगा a स्क्वायर, फिर a से गुणा होगा माइनस b तो बनेगा माइनस ए बी, पहले a है ना बाद में माइनस ए बी बन गया। अब फिर बारी है माइनस b की, तो माइनस b से a गुणा होके बनेगा माइनस बी ए, ये ए बी नहीं हो सकता क्योंकि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में ए बी और बी ए के मान अलग अलग हो सकते हैं, और कई बार तो क्या पता ए बी का मान हो सकता है विद्यमान हो और बी ए का हो सकता है विद्यमान न हो, इसलिए यहां पर आप इसको ए बी नहीं लिख पाएंगे, ये बी ए ही होगा, और बाद में माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब यदि मैं इसको जानबूझ के अपनी मर्जी से ही ये लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो या तो ये लिखना गलत है, और यदि लिखना सही है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि इसमें मैट्रिक्स जो है वो क्रम विनिमयी है, ये पता होना चाहिए था, तब ऐसा लिखना सही है। अब यहां इस सवाल में पता नहीं है हमें, और ऑब्वियसली यहां पर तो सवाल सिद्ध करने वाला है, इसका मतलब क्रम विनिमय है ही नहीं, तो ये बात ठीक है कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, क्योंकि माइनस टू ए बी केवल ए बी इक्वल बी ए होने से होता है, वरना नहीं होता है, और यहां पर ये ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इसको जांचना और सिद्ध करना कि ये नहीं है बराबर, सब जानते हैं कैसे करना है, एकदम सिंपल सा काम है, फॉर्मेलिटीज है बस स्क्वायर करने की, जोड़ने घटाने की। 21वें सवाल पर ध्यान दीजिए, ये भी आप खुद करेंगे। सवाल क्या है, यदि मैट्रिक्स ए ये दे रखी हो तथा ए स्क्वायर का मान के ए माइनस टू आई हो तो के का मान निकालना है, सेम सवाल पीछे आ चुका है, खुद करना, ट्राई कर सकते हैं। 22वें सवाल में ये कहा गया है कि यदि मैट्रिक्स ए का मान आयोटा में है, सवाल पूरा का पूरा मैट्रिक्स ए है, इसमें आयोटा जीरो जीरो माइनस आयोटा, और मैट्रिक्स बी है वन माइनस वन वन सॉरी जीरो माइनस वन वन जीरो, और मैट्रिक्स सी है जीरो आयोटा आयोटा जीरो, तब कहा है कि सिद्ध कीजिए ये दोनों स्टेटमेंट्स लागू होंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर के बराबर होगा और सी स्क्वायर के बराबर होगा, और इन तीनों का मान ही माइनस आई टू होगा। अब ये स्क्वायर करना और ये क्यूब करना तो एकदम आसान सा ही काम है ना, अब इसमें ए दे रखा है तो ए का स्क्वायर करना कौन सा मुश्किल काम है, बस आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर का मान माइनस वन होता है और आयोटा पावर फोर का मान है प्लस वन होता है, इसका अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आसानी सवाल हो जाए ना, उसमें होने वाला सवाल है। तो इन तीनों का ही मान माइनस आई टू के बराबर है, और माइनस आई टू का मतलब क्या होता है, आई टू का मतलब सीधा मतलब क्या होता है, एक जीरो जीरो एक, तो माइनस से इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एक जीरो और जीरो माइनस एक। ठीक है,
इसके बाद में सेकंड पॉइंट से दिख रहा है कि ए बी का मान माइनस बी ए होगा। ये भी इजी है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी का मान निकालना, वो जो भी आएगा वो बी इंटू ए के नेगेटिव के बराबर आ जाएगा, और इन दोनों का ही मान सी का नेगेटिव होगा, और सी का नेगेटिव आप जानते हैं क्या होगा, वो होगा जीरो माइनस आयोटा जीरो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, ठीक है। हाँ, तो खुद ग्रहण है सवाल। उसके बाद में 23वां सवाल दिया है कि यदि मैट्रिक्स ए का मान 3, 1, -1, 2 हो तब एफ ए का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर एफ ए का फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i। कुल मिलाकर के ए स्क्वायर का मान निकाल के यहाँ रखना है, माइनस 5a का मान लिखना है, और 7i का मान यहाँ लिखना है बस, और बाद में इसको हल करके उत्तर भी किस रूप में आएगा, मैट्रिक्स रूप में आएगा उत्तर भी, ठीक है। तो इसको आप हल करना आसानी से हो जाएगा। ये आगे बात करते हैं 24वें सवाल की। इसमें कहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा जीरो आएगा, जबकि अल्फा माइनस बीटा जो कि यहाँ पर कोण की तरह काम कर रहा है, अल्फा माइनस बीटा का मान 2m - 1π/2, जहां पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये सवाल करते हैं सोल्व, हम देखते हैं। हाँ, 24वें सवाल को हम हल करें, काफी ये अच्छे लेवल का सवाल है, हमें इसका मान जीरो लाना है, लेके मत चलना जीरो, लास्ट में जीरो सिद्ध करना है हमें, लेके चलना केवल इतना सा ही मान। चलो देखते हैं, पहली बात तो प्रश्न में जो दिया है उसको हम एक बार लिखें ताकि गुणा हो सके। दिया गया है कोस स्क्वायर एल्फा, है ना, फिर है कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर यहाँ वापिस जो है आपको दे रखा है कोस एल्फा साइन एल्फा, और आगे दिया है यहां पर साइन स्क्वायर एल्फा, ये पहली मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर दूसरी मैट्रिक्स में सेम है व्यंजक, लेकिन कोण का अंतर है, बीटा आ गया, तो ये सेम लिख देते हैं, कोस स्क्वायर बीटा, फिर कोस बीटा साइन बीटा, और यहां पर वापस जो है कोस बीटा साइन बीटा, और यहां साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है। हाँ, हमें इसका मान लास्ट में शून्य लाना है, वो अलग बात है, एक बार इन गुणा करते हैं, देखें गुणा कैसे करेंगे। सब जानते हैं तरीका क्या होता है मैट्रिक्स के लिए, गुणा का तरीका है कि पंक्ति से स्तंभ गुणा, पहले वाले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे वाले की स्तंभ गुणा किया जाता है। तो पहली पंक्ति ले लीजिए और पहला स्तंभ ले लीजिए, तो पंक्ति को उठा के इसके ऊपर रखने बनेगा एक कोस स्क्वायर एल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस का चिन्ह, फिर इससे ये भी गुणा होगा, ठीक है। एक बार लिखते हैं इसको हम, कोस स्क्वायर एल्फा और आगे है कोस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस का चिन्ह, जब इससे ये गुणा होगा तो इसमें कोई भी चीज जो है स्क्वायर में नहीं बनाएगी ना, सेम है बस, अलग अलग है, सब सब का कोण अलग अलग है, तो इसको आप सेम लिख दो बस, यहां से कोस एल्फा, फिर आएगा कोस बीटा, फिर आएगा साइन एल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये पूरा केवल एक एलिमेंट आ गया है, उसके बाद इसी को ही सेकेंड स्तंभ से गुणा करना चाहिए, इसी को उठा के इसके ऊपर रखना चाहिए, तो यहां पर इससे तो ये गुणा हो गया, तो यहां पर बनेगा ये जो है कोस स्क्वायर एल्फा फिर कोस बीटा, है ना, फिर साइन बीटा, और आगे प्लस का चिन्ह तो है, फिर इससे ये गुणा होके ये बनेगा साइन स्क्वायर बीटा, और आगे है कोस एल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और प्रथम स्तंभ, ये देख लें आप साथ में, यहां से कोस एल्फा साइन एल्फा फिर कोस स्क्वायर बीटा, फिर प्लस का चिन्ह, और इसको यहां रखा तो बनेगा यहां से साइन स्क्वायर एल्फा कोस बीटा साइन बीटा, फिर इससे गुणा करने बनेगा यहां से ये कोस एल्फा कोस बीटा, और आगे है साइन अल्फा साइन बीटा, और आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा फिर साइन स्क्वायर बीटा, ये गुणा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा सोचो इसको छोटा कैसे करें हम, कोई तरीका है? बिल्कुल है, यहां पर आप इसके हर पद में से जो है कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन ले सकते हैं, यहां से ये कॉमन आ रहा है ना, और यहां से भी कुछ कॉमन आएगा, एक बार देख लेते हैं इसको हम, कॉमन वगैरह जांचते हैं क्या क्या आ सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं कि कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में बनेगा यहां से वापिस वही कोस अल्फा कोस बीटा,
और यहां से बाहर तो बच गया साइन अल्फा साइन बीटा, ये बच गया ब्रेकेट में। यहां से क्या को मना सकता है, कोस अल्फा को मना सकता है, कोस बीटा नहीं आएगा, साइन बीटा आएगा एक और, ठीक है। तो यहां से को मना सकता है कोस अल्फा साइन बीटा, और ब्रेकेट में सेम बचेगा फिर कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ऐसे बन सकता है। उसके बाद यहां से कॉमन आएगा, एक तो आएगा इसमें से जो है साइन अल्फा, और एक आएगा साइन, एक आएगा इसमें कोस बीटा, है ना, साइन अल्फा और कोस बीटा कॉमन, तो बच गया वापस वही कोस अल्फा कोस बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा। और यहां से भी हम देखें तो साइन अल्फा साइन बीटा को मना सकता है, और ब्रैकेट में सेम क्वांटिटी बचेंगी साइन अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट में वही है जो है कोस अल्फा कोस बीटा फिर प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्मेट हो चुका है इसका, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये ऐसा भी नहीं है क्या, जरा सोचिएगा, ये जो चारों व्यंजक जो ब्रैकेट में मान आया है वह मान एक फॉर्मूला नहीं है क्या, आपने याद किया है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी, और यहां पर ए के स्थान पर अल्फा है और बी का स्थान इसमें लिया बीटा ने, तो कह सकते हैं यहीं से ही कोस अल्फा कोस बीटा तो है ही, लेकिन इसका गुणांक हो गया कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और यहां से देखा जाए तो वापस वही है कोस अल्फा कोस बीटा तो है ही, गुणा वापस वही है कोस अल्फा माइनस बीटा है, और यहां से जो है साइन अल्फा साइन बीटा गुणा में कोस अल्फा माइनस बीटा, और यहां से भी साइन अल्फा साइन बीटा और गुणा में है कोस अल्फा माइनस बीटा, ब्रैकेट या फिर मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या अर्थ है, मतलब ये निकालने से क्या हासिल हो गया, इसमें क्या नई बात आ गई, तो वास्तव में नई बात ये आ गई कि हमें जो दिया था जबकी के रूप में वो यहां पर अब यूज हो सकता है। आपको दिया गया था कि जबकि अल्फा माइनस बीटा का मान है 2m-1 गुणा पाई बाई 2 है, सब जानते हैं पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, और यहां पर 90 डिग्री का गुणांक कौन है, वो है 2m-1, जहां पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यदि m का मान कोई प्राकृत संख्या हो तो 2m-1 और 2m+1 ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही होते हैं विषम संख्याएं, और सिंगल 2m होती है सम संख्या। आपने ये बातें सीखी है, आराम सीखी है कि हमेशा 2m+1 2m+3 2m+5 ये सब विषम संख्याओं के प्रकार होते हैं, इसी प्रकार 2m-1 -3 -5 सब विषम संख्या होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये 2m-1 जहां पर m नेचुरल नंबर हो तो ये 2m-1 डेफिनेटली विषम संख्या का ही एक संकेत है, और इनटू में पड़ा है नंबर। क्या आप जानते हैं कि कोस थीटा के अंतर्गत यदि कोण का मान 90 डिग्री का विषम गुणज हो, यहां पर 90 मतलब पाई बाई 2 ये 90 डिग्री होता है, 90 का विषम गुणज है 2m-1। अब यदि कोस का कोण 90 डिग्री का विषम गुणज हो, मतलब कोण का मान क्या क्या हो, एक तो 90 डिग्री खुद हो, एक 90 × 3 हो, 90 × 5 हो, अगर अगर कोस थीटा में सभी कोण 90 डिग्री विषम गुणज आ जाए तो उसका मान हमेशा जीरो होता है, जैसे कोस 90 का मान जीरो है, ठीक ऐसे ही कोस 270 का मान भी जीरो है, कोस 450 का मान भी इसमें जीरो होगा पक्का, ठीक है। तो नियम है तो आपने सीखा है 11th क्लास में कि कोस के अंतर्गत अगर कोण का मान पाई बाई 2 का सम गुणज है तब तो प्लस माइनस 1 होगा, और यदि उसका मान विषम गुणज उसका मान क्या होगा, पक्का जीरो होगा। तो कह सकते हैं सिद्धांत से भी कि यहां से कोस अल्फा माइनस बीटा के जीरो होने से ये चारों के चारों पद जीरो हो गए, और यदि ये चारों पद जीरो हो गए तो इसके जीरो होने से गुणांक करके पूरा जीरो हो गया। तो यहां से कह सकते हैं कि मैट्रिक्स का एट रिजल्ट फॉर्मेट पूरा का पूरा जीरो 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 आ गया। क्यों आ गया, रीजन है अल्फा माइनस बीटा कोण, ये कोण में इसी क्या खास बात है, यह कोण 90 डिग्री का विषम गुणज है, तो इससे क्या हासिल हो गया भाई, यह कोण अगर 90 डिग्री विषम गुणज है तो कोस में आने से इसका मान जीरो पक्का होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं इसका मान जीरो इस रूप में है, और यदि ये सब के मतलब सब एलिमेंट जीरो आ गए हैं इसका मतलब एट रिजल्ट ये एक जीरो मैट्रिक्स है, तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया जीरो मैट्रिक्स क्यों होंगी ये, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार हमने तीसरी प्रश्नावली की विविध के सभी सवाल पूरे कर लिए हैं, और इस प्रकार से आपका यह तीसरा चैप्टर जो मैट्रिक्स नाम का चैप्टर है ये पूरा हुआ,
और मैं मानता हूं कि आपने इसमें अच्छे से है ना, बड़े धैर्यपूर्वक और बड़े स्थिर चित्त से समझा होगा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स को आपने अच्छे से समझा है और इसको आपने यूज भी करना थोड़ा बहुत सीखा होगा। ठीक है, तो आज मैट्रिक्स का जो मैटर है 12th क्लास तक का वो पूरा हुआ। हालांकि मेरी इच्छा थी कि आपको मैट्रिक्स थोड़ी सी कॉलेज लेवल की बताऊं, लेकिन वो अभी नहीं हो पाएगा, वो करेंगे हम बाद में क्लास टाइम में ही। ठीक है, अभी तो केवल इतना सीखा जाए, क्योंकि अभी है ना थोड़ा सा संसार वाला गैप है ना, वो मैं कुछ पूछ नहीं पा रहा हूं, मैं मुझे नहीं पता कि कौन क्या सीख रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ वो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। हालांकि कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है थोड़ी सी। इसलिए अभी तो जितना जितना कोर्स में है उतना ही ढंग से कर ले, हम ढंग से कर ले उतना ही तो ही बहुत है, और बाकी एक्स्ट्रा वाली बातें करनी है वो भी, लेकिन वो हम टाइम आने पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज तीसरा चैप्टर पूरा हुआ, कल से हम अगला जो नया चैप्टर है सारणिक, चौथा चैप्टर उसकी शुरुआत करने वाले हैं। सारणिक क्या होता है? सारणिक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का मान, क्यों होता है, इससे क्या हासिल होता है और इसके भी कितने गुण हैं, वो सब बात हम कल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैं चाहता हूं कि आज के दिन ही आप मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लें, अगर कुछ बाकी रहे तो।